दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मेरा नाम है कौस्तुब सरकार, आप देख रहे हैं कबड्डी गुरु, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कबड्डी अपडेट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुनरी पल्टन के नए कोच के बारे में, तो चलिए खेलते हैं कबड्डी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जरूर। आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो, मैंने अपने वीडियोस वन डे आगो, टू डे आगो, थ्री डे आगो यानी कि हर रोज डाले हैं अपने चैनल पे। इसका मतलब ये है कि आपको हर रोज कबड्डी के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, यार सब्सक्राइब करना तो बनता है एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। दोस्तों, सीजन 5 में पुनरी पल्टन के कोच रहा करते थे बीसी रमेश, अब उनको रिप्लेस कर दिया है सीजन 6 में अशांत कुमार जी ने। आप उनका फोटो अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इनके कुछ अचीवमेंट्स, प्लेइंग करियर और कोचिंग ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अशांत कुमार जी अपने टाइम के लेजेंडरी प्लेयर रह चुके हैं, तो बात कर लेंगे उनके प्लेयर करियर की। तो दोस्तों, वो टीम इंडिया के कैप्टन थे बीजिंग के 11वें एशियन गेम्स में, और दूसरे, चौथे और छठे साउथ एशियन गेम्स में भी उन्होंने टीम इंडिया की कैप्टेंसी की थी। दोस्तों, यहाँ तक कि उन्होंने जो दूसरी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप है जो जयपुर में हुई थी, उसकी भी कप्तानी उन्होंने की थी। दोस्तों, तो उनका करियर एज अ प्लेयर बहुत ही उम्दा रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेंगे हम उनके कोचिंग अचीवमेंट्स के बारे में, मतलब कोचिंग ग्राफ के बारे में। तो दोस्तों, उनको ग्रेड ए डिप्लोमा होल्डर कोचिंग सर्टिफिकेट है उनके पास। ग्रेड ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट है कोचिंग में, कहाँ से? कबड्डी कोचिंग कहाँ से है उनका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से। समझ में आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में है उनका ग्रेड ए डिप्लोमा कोचिंग के अंदर। तो दोस्तों, वो हरियाणा टीम के कोच रह चुके हैं नेशनल्स 65 में, 65th नेशनल्स में, जहां हरियाणा सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी। दोस्तों, तो ये बात थी उनकी कोचिंग करियर की। दोस्तों, अब हम बात कर लेंगे उनको मिले हुए अवार्ड्स के बारे में। तो उनको अर्जुन अवार्ड मिला था 1999 में, भीम अवार्ड मिला था 1994 में, कहाँ से? हरियाणा गवर्नर से। फिर उनको मिला भारत गौरव अवार्ड इन 1993, AKFI के प्रेसिडेंट से। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि पुनरी पल्टन ने किन किन प्लेयर को रिटेन किया है तो आई बटन पे क्लिक करके अभी जान ले दोस्तों। उसके अलावा हर एक टीम ने किन किन प्लेयर को रिटेन किया है वो भी आप आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो के माध्यम से जान सकते हो। और बात रहती है प्रो कबड्डी सीजन 6 की, तो उसके बारे में मैंने करीबन 16 से 17 वीडियोज बनाए हैं दोस्तों, जो कि अगर आप देखोगे तो सीजन 6 के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों, तो उस प्लेलिस्ट के वीडियोस देखना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हॉट अपडेट्स बोल के एक सेक्शन है जहाँ पे आपको मिल जाएगी लिंक। तो दोस्तों, यार अगर आपने कबड्डी गुरु को कहीं पर भी फॉलो नहीं किया है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए लिंक से और फॉलो कर लीजिए सभी जगह कबड्डी गुरु को। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले ही बोल दिया था। दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।